गुलबर्गा ख्वाजा बंदनवास दरगाह के सामने लगातार ट्रैफिक को जाम होता देख ऑटो ड्राइवर्स की गुजारिश पर आम आदमी पार्टी से सज्जाद अली इनामदार और दीगर लीडर्स ने ट्रैफिक पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर रोजा पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर कॉरपोरेशन एडब्ल्यू सेक्शन ऑफिसर्स को साथ लेकर दरगाह एरिया विजिट कर ट्रैफिक के अहम इश्यूज को सॉल्व करने की पहल की है। दरगाह एरिया ऑटो ड्राइवर्स ने कहा पिछले 40 साल से इस एरिया में ऑटो ले जाने में इन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है। इस परेशानी को हल करने की जिम्मेदारी एमएलए की होती है पर कई कंप्लेंट्स देने के बावजूद अब तक इस मसले को सॉल्व नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी लीडर सज्जाद अली इनामदार एंड टीम ने एक महीना पहले रेलवे स्टेशन के पास ऑटो ड्राइवर्स के मसले को सॉल्व किया है। अब दरगाह एरिया में ट्रैफिक जाम होता देख ऑटो ड्राइवर्स ने सज्जाद अली इनामदार एंड टीम से मदद की गुजारिश की। सज्जाद अली इनामदार एंड टीम ने तमाम ऑफिशियल्स के साथ मिलकर दरगाह एरिया का सर्वे कर रोड का मेजरमेंट लेने के बाद इस इलाके में रोड को वन वे बनाने का डिमांड करते हुए ऑटो वालों के लिए टू लाइन और टांगे वालों के लिए वन लाइन स्टैंड बनाने का मशवरा दिया है। तमाम ऑफिशियल्स ने इस इशू को सॉल्व करने का तयकुन देते हुए काम जल्द शुरू करने का भरोसा दिलाया। आम आदमी पार्टी लीडर्स की मेहनत को देख ऑटो ड्राइवर्स ने सज्जाद अली इनामदार एंड टीम को तहनियत पेश कर शुक्रिया अदा किया है। सज्जाद अली इनामदार ने इस मौके पर कहा इलेक्शन में आवाम चाहे इन्हें वोट दे या ना दे आम आदमी पार्टी आवाम के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमेशा आगे रहेगी। आम आदमी पार्टी गुलबर्गा के तमाम शहरियों को जो ट्रैफिक की दुश्वारियां हो रही हैं उसको सुलझाना सहूलत करके देना ये हमारा एक मकसद है। इस मकसद के तहत हमने एक महीना पहले स्टेशन में ऑटो वालों के पार्किंग का मसला सुलझा कर उनको सहूलत करके दिए हैं। अब दूसरा यहाँ पर हज़रत ख्वाजा बंदनवास गैसुदराज के रहमतुल्लाह के दरगाह के सामने जो ऑटो स्टैंड है टांगा स्टैंड है यहाँ पर सही सिस्टम नहीं होने के वजह से ऑटो वाले इधर उधर ठहरने की वजह से लोगों को दुश्वारियों का ट्रैफिक की दुश्वारियों का सामना हो रहा है। लिहाजा हमने आज सर्कल इंस्पेक्टर ट्रैफिक श्री शांतिनाथ साहब और हमारे रोज़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री सोनवाड़े साहब कॉरपोरेशन के एडब्ल्यू श्री पुरुषोत्तम साहब सेक्शन ऑफिसर एजाज साहब को हमने यहाँ पर बुलाकर मेजरमेंट करके दो लाइन ऑटो वाले ठहरेंगे एक लाइन टांगे वाले ठहरेंगे और सिस्टमेटिक क्यू के हिसाब से लाइन के हिसाब से वो लोग जो है ना अपने अपने पैसेंजर लेके जाएंगे। यहाँ वहाँ दरगाह की तरह आड़े तीड़े नहीं ठहरेंगे। यहाँ पर आने वाले जायरीन को और पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जो है ना हमने आज उसका काम किया है इनको बुला के मेजरमेंट लिए इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर हम इसको रीलिंग डाल के या तो रोड डिवाइडर डाल के तीन लाइन बना के ऑटो में एंट्रेंस रहेगा यू शेप जाके एग्जिट रहेगा कोई पैसेंजर नहीं लेगा सिर्फ नंबर जिसका आता है वही पैसेंजर लेके जाएगा। तो इसमें जो है ना आज तक जो झगड़े होते थे तू मैं होता था वो सब बंद हो जाएगा। ये आम आदमी चाहती है। आम आदमी सब लोग सुकून से रहें ऑटो वालों को ऑटो का कारोबार अच्छा चले उनको तकलीफ ना हो ये हिसाब से आज हमने एक कामयाब नुमाइंदगी की है। मैं सर्कल इंस्पेक्टर ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर रोज़ा और पुरुषोत्तम एडब्ल्यू खास कर मैं हमारे कमिश्नर साहब का नमस्कार करता हूं कमिश्नर साहब को और थैंक्स कहता हूं आपने अपने ऑफिसर्स को हमारे रिक्वेस्ट पर भेजा आपने कल जो है ना मेरे को जो अश्योरेंस दिए थे आज ऑफिसर भेज के मेजरमेंट करा के उसका प्लान बनाने के लिए आपने ऑर्डर किए तो आपका मैं मेरे तमाम सिटी के ऑटो ड्राइवर्स के जानिब से हमारे जानिब से सबके जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब ये जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की होती है अक्सर आम आदमी पार्टी ऐसे मामलों में इन्वॉल्व हो जा रही है क्या वजह है इसकी? हम सियासत नहीं देखते वोट नहीं देखते चाहे वोट मिले चाहे वोट नहीं मिले वो हमारे को उसकी फिक्र नहीं है। एक ही फिक्र है अब आपने बोला इलेक्टेड नुमाइंदे कहाँ हैं खसारे शहर को भी नज़र नहीं आ रहे मेरी को तो नज़र कैसे आएंगे वो छुपे हुए हैं उनको बाहर आना लोगों में आने के लिए थोड़ी सी कशिश होती है और क्या होता है वो उनको वो जाने मैं नहीं जानता।
तो मेरा काम और मेरे पार्टी का काम है, जैसा कि हम दिल्ली में बेस्ट गवर्नेंस हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने दिए, पंजाब में भगवंत मान ने जो सिस्टम बनाया वो सिस्टम हम गुलबर्गा में बनाना चाहते हैं, वो सिस्टम हम कर्नाटका में बनाना चाहते हैं। वो सिस्टम को बनाने के लिए आज के जैसे कामों की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, अवाम की खिदमत की ज़रूरत है। हम खिदमत को तरजीह देंगे, सियासत को तरजीह नहीं देंगे। ये हमारा एक ही नारा है, हम खिदमत करेंगे, सियासत बाद में करेंगे। जय हिंद। जैसा कि आप आज देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ कि आम आदमी पार्टी वाले यहाँ पर आकर दरगाह एरिया में सर्वे करेंगे, ऑटो स्टैंड और टांगे वालों के लिए और पब्लिक के लिए जो प्रॉब्लम था, तकलीफ थी, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आए, सर्वे किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिखा हमको। ऑटो के लिए 2 लेन दिए हैं और टांगा स्टैंड के लिए 1 दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है हमको। ये आम आदमी पार्टी वाले इधर आए, देखते हैं इंशाल्लाह सक्सेस होगा और हम भी इसमें पूरे ऑटो वाले अल्हम्दुलिल्लाह इनका साथ देंगे, दिल खोल के साथ देंगे इंशाल्लाह। बहुत सिस्टम से चलेंगे इंशाल्लाह ऑटो वाले भी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि पूरे डिपार्टमेंट से, पुलिस वाले से भी, कि ये जो ट्रैफिक जाम हो रही इधर राइट में टू व्हीलर लग रहे हैं और इधर टू व्हीलर लग रहे हैं और उधर आगे जलालवाड़ी में कंटिन्यू एक पुलिस वाले की ड्यूटी डाले तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस भी होगा। बिल्कुल। और नो एंट्री है और इधर से जो आते हैं गाड़ियाँ वो रोके तो बहुत बेहतर होता है। कोई भी गाड़ी नहीं आना, ऑटो भी नहीं आना, कार भी नहीं आना, टू व्हीलर भी नहीं आना, खासतौर पर टू व्हीलर नहीं आना। जो टू व्हीलर के वास्ते इधर ट्रैफिक जाम होती है अक्सर, टोटली वन वे करे तो बहुत बेहतर होता है। रिक्वेस्ट है हमारी। मैं वलीउद्दीन दरगाह ऑटो स्टैंड से बात कर रहा हूँ। हम 40 साल तकलीफ में हैं, आज तक हमको स्टैंड नहीं बना। मैं 10 साल से लेटर देते आ रहा हूँ, कोई भी कानूनन कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी ऑफिसर आके जो है ना दिख रहे नहीं यहाँ पर। अब आम पार्टी के जो है ना लोग यहाँ पर आकर जो है ना मशवरा करे तो हमने उनको हमारी तकलीफ बताए तो उन्होंने कहा कि हम कर देंगे काम, उनको बोले हैं इंशाल्लाह। का इनामदार साहब, सज्जाद अली इनामदार साहब जो है हमारे साथ पे जो है ना है और हम उनके साथ देंगे और उनके जो है ना हम साथ में काम करेंगे। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ರೋಜಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ, ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆಟೋದವರಿಗೇನು ಆಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೇನು ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಟಾಂಗಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗಾದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಇನಾಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ನಿನ್ನೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು AW ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಜಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ, ಆಟೋ ನಡೆಸೋರು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರೋಡ್ ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 38 feet ಇದೆ, ಆ 38 feet ಹದಿನೇಳು ಫೀಟು ಏನು ಆಟೋ ಎರಡು ರೋ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಾಂಗಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನು, ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು 20 feet ಅದು ಬಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಟೂ ವೀಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಜಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿದು ಇದು 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಜ್ಜಾದ್ ಅಲಿ ಇನಾಮದಾರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿ ಆಲಿಸಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಲಾಯಿತು. ಗುಡ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಸರ್, ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.